नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहन के मुताबिक अब इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते जल्द सामान्य हो सकते हैं। कोहेन ने कहा, मेरे हिसाब से दोनों मुल्कों के बीच नॉर्मल रिलेशन शुरू होने में अब कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल और सऊदी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। कोहेन ने आगे कहा कि दोनों देशों के पास ऐसे नेता हैं जो बिना डरे और परेशान हुए इस तरह के फैसले ले सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन मुश्किल कामों को किस तरह किया जाता है। राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज भी कहर बरपा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के अलावा अजमेर संभाग के कुछ जिलों में देखने को मिलेगा। यहां आज भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही तेज बारिश के दौरान बिजली भी गिर सकती है। इस स्थिति को देखते हुए जयपुर मौसम केंद्र ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश आंधी के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बैक टू बैक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से आंधी बारिश का दौर 1 जून तक चलेगा। आज और कल तो कई जगह आंधी के साथ साथ मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और एक हरियाणा के ऊपर बना हुआ है। इन सभी सिस्टम के कारण वेदर एक्टिविटी 1 जून तक होती रहेगी। इसरो ने सोमवार को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे हमारा नेविगेशन सिस्टम मजबूत होगा। नाविक सैटेलाइट से हमारी सेनाओं को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स थे, इनमें से 4 ही काम कर रहे थे, 3 खराब हो चुके थे। अगर हम तीनों को बदलते तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते, इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स NVS को छोड़ने की तैयारी की। NVS-01 उनमें से एक है। बीजेपी राज में करप्शन की कार्यवाही और पेपर लीक मुद्दे पर सचिन पायलट के अल्टीमेटम के बीच अब कांग्रेस हाईकमान सुलह में जुट गया है। सचिन पायलट का अल्टीमेटम कल खत्म हो रहा है। मामले में सुलह नहीं होने पर 31 मई के बाद सचिन पायलट नए सिरे से आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेता पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालकर सुलह के प्रयास में हैं। राजस्थान के मामले को लेकर दिल्ली में अंदर खाने नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग अलग मिलने वाले हैं। दोनों नेता खड़गे से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी दिल्ली में बैठक है, इसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उस बैठक में पायलट को भी बुलाया गया है। चुनावी रणनीति वाली बैठक 5 चुनावी राज्यों की अलग अलग हो रही है, लेकिन सबकी निगाह गहलोत पायलट मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से होने वाली बैठक पर टिकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को RBI के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विन उपाध्याय ने दायर की थी। मंगलवार यानी 23 मई को कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जे सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 2000 के नोट को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि RBI के पास 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का, सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।